हाथरस केस में सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम ने गांव में पहुंचकर एक बार फिर से बिटिया के परिजनों और आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की, ग्रामीणों से भी कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई। टीम ने ग्रामीणों से घटना से जुड़े कई तथ्यों की जानकारी ली। अब सीबीआई ने अपनी रणनीति बदल ली है और वो बिटिया के गांव पहुंचकर घर घर जाकर गांव वालों से पूछताछ कर रही है और इस तरह से जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। बिटिया प्रकरण में सीबीआई की पूछताछ बहुत तेजी से बढ़ रही है। घटना से जुड़े हर पहलू पर सीबीआई बारीकी से नजर रख रही है। गांव में घटना स्थल से लेकर पीड़िता और आरोपियों के घर तक सीबीआई कई बार पहुंच चुकी है। एक बार फिर से सीबीआई की टीम गांव में पहुंची और दो हिस्सों में बटी। एक टीम ने बिटिया के घर पहुंचकर परिजनों से कई घंटों तक पूछताछ की, वहीं दूसरी टीम ने आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की। टीम ने गांव के ग्रामीणों से भी कई तथ्यों के बारे में स्पष्टीकरण चाहा और जानकारी जुटाई। गौरतलब है कि इससे पहले बिटिया और आरोपी पक्ष के रिश्तेदारों से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। अब ग्रामीणों की निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी है। ग्रामीण खुद ये जानने को उत्सुक है कि सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा करेगी, क्योंकि लगातार बहुत मेहनत सीबीआई कर रही है और इस केस पर पूरे देश के साथ साथ गांव वाले भी निगाह रखे हुए हैं। वहीं आरोपी पक्ष को विधिक मदद के नाम पर कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। आरोपी संदीप के पिता का कहना है कि मेरे द्वारा किसी से कोई मदद नहीं मांगी गई है, लेकिन उसके बाद भी फर्जी पत्र भेजकर हमको परेशान किया जा रहा है। हमें किसी से किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।